हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष। तो आज मैं आप लोग को कुछ टेस्ट करके दिखाने वाला नहीं हूं, तो आज मैं मेरा गांव का फल दिखाने वाला हूं आप लोगों को। तो आप लोग को पता होगा कि हर सीजन में कुछ ना कुछ फल होता है गांव में। तो अभी जो फल हुआ है रेनी सीजन में, तो आप लोग को मैं वो दिखाने वाला हूँ और टेस्ट करके बताने वाला हूँ कि कैसा लगता है, कि दिखाने वाला हूँ उस फल कैसा दिखता है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि किस तरह दिखता है वो फल, तो गांव का फल किस तरह दिखता है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहे। तो हम उस पेड़ के पास जा रहे हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा घर के पास में ही है। तो आप लोग को पता ही होगा कि गांव में सब कुछ मिलता है, यानी सब कुछ का मतलब ये नहीं है कि जो बाज़ार में मिलता है वो गांव में भी मिलता है। तो गांव में एक फैसिलिटी होता है, तो हमको कुछ ख़रीदना नहीं पड़ता है, सब कुछ हमारा गांव में ही मिल जाता है। तो हम आके वो पेड़ के पास पहुंच चुके हैं। तो आप लोग को देखिए कि किस तरह दिख रहा है वो पेड़। तो यही है वो पेड़ अभी जो फल हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि कितना फल हुआ है। तो ज़्यादा पास जाते हैं। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये बड़ा बड़ा हुआ है। तो अभी हम खा के दिखने वाले हैं कैसा लग रहा है। तो बढ़िया तो लगता है, बस आप लोग को दिखाने वाले हैं कि पूरा पेड़ देखिए। ये है, तीन पेड़ हुआ है। तो एक पेड़ था तो बड़ा सा था, तो उसे काट काट दिया गया था। तो उसमें से वो छोटा छोटा तीन गो निकाल के आए हैं। तो वो ऐसा दिखता है वो पेड़। तो आप लोग को अभी हम खाने वाले हैं। ये देख रहे हो कितना अच्छा दिख रहा है। ये अच्छा से देखिए कि कितना बढ़िया, इसका अंदर में भी है एक, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो आज मैं ये खाने वाला था, तो मुझे लगा कि आप लोग को दिखाऊंगा ज़रूर, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। नहीं तो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मतलब नहीं था। तो देखिए मेरा गांव का ये फल है। तो अभी रेनी सीजन में ये है, और एक भी फल है, तो अभी वो हो रहा है, वो छोटा छोटा है। तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा जब वो भी बड़ा हो जाएगा। तो अभी जो हुआ है, अभी ये वाला हुआ है, तो मैं खा के दिखाऊंगा, तो लूँगा अभी। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, ये जो छोटा छोटा काना दिख रहा है, तो ये जो बाट्स कहते हैं बादुड़ी, तो उसे खाए हैं। तो उसका दांत लगा लगा दिए हैं, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो आप लोग को मैं अभी खा के दिखाने वाला हूँ। तो उसको हम पूरा, उसका छिलका को भी खा सकते हैं, और उसको उसका अंदर में जो रहता है उसका गुठली बुठली सब कुछ हम खा सकते हैं उसका, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम खा के दिखाने वाले हैं। तो देखिए ये मेरा हाथ में है, अभी हम खाएंगे। बहुत ही टेस्टी है। और आप लोग की तरफ इस तरह का फल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और उसे आप क्या कहते हो। ये हम लोग के तरफ, उसे हम हमारा गांव में उसे पेड़ा कहते हैं। तो आप लोग के तरफ उस फल को क्या बोलते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना। बहुत ही टेस्टी है, इसका अंदर देख पा रहे हो, ये व्हाइट वाला है। ये फल का दो प्रकार है, इसका अंदर जो व्हाइट दिख रहा है, और एक है वो लाल है। तो हमारा गांव में वो मिलता नहीं है, ज़्यादा दूर मिलता है, तो हमारे पास जो है उसमें ही काम चलाएंगे। तो
कही है हमारा गांव में, तो बहुत ही टेस्टी फल है, तो बहुत ही विटामिन भी है। देखिए ये वो पेड़ है, एक पाओ ये बहुत छोटा पेड़ है, और इसका बड़ा बड़ा पेड़ भी है। देखिए अच्छी तरह से, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, एंड मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही है, और आगे बहुत सारे फल ऐसे गांव में होता है, तो आप लोग को मैं सारे फल दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि वो कैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो में।